तो लिस्ट इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली लिस्ट होता क्या है? बेसिकली इट इज अ कलेक्शन दैट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट सेम एज अ एरे। ठीक है, कलेक्शन होती है जो एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करती है, और इसमें भी एरे की तरह वर्क होता है। जो भी आप एलिमेंट इंसर्ट कराओगे वो जीरोथ लोकेशन पर जाके सबसे पहले इंसर्ट होगा। इसमें आपको है ना एरे में जैसे मैं साइज बताना पड़ता है, इसमें भी साइज बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी एलिमेंट्स मैं डालता रहूंगा वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होते रहेंगे। दो टाइप के लिस्ट होती है हमारी, एक एरे लिस्ट और एक लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो एरे लिस्ट के बारे में पहले बात करेंगे। एरे लिस्ट पे की खास बात ये है कि हमें एक तो इसका ना साइज नहीं बताना पड़ता कि भाई मेरे एरे का साइज ये है, और सबसे बड़ी बात ये होगा कि अगर आप एरे का साइज नहीं बताओगे तो ये उतना ही एरे बनाएगा जितना आप एरे एलिमेंट इंसर्ट कराओगे। लास्ट वाले कॉलम को नल से टर्मिनेट हमेशा रखेगा, तो मीन्स उतनी मेमोरी लेगा जितनी हम एलिमेंट्स इंसर्ट कराएंगे। तो वर्क किस तरीके से करते हैं ध्यान से एक बार देखना, इसका सिंटैक्स भी इसी प्रोग्राम में कवर हो जाएगा और किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ये भी हो जाएगा। सो लेट्स से मैंने क्लास बनाई लिस्ट एग्जांपल के नाम से। इसकी डिक्लेरेशन हम किस तरीके से करते हैं वो ध्यान से देखना। यहाँ पर आप लगाओगे लिस्ट कीवर्ड, ठीक है, फिर आप यहाँ पर दे दो उसका नेम। लेट्स से मैंने दे दिया ए वन, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, लेट्स से ए वन। ठीक है, अब इस लिस्ट को बताना पड़ेगा कि भाई वेदर यू वॉन्ट टू यूज एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। तो मैं इसको बताऊंगा दैट हियर आई वॉन्ट टू यूज एन एरे लिस्ट, तो वो किस तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, इस तरीके से मैं इसको बता दूंगा। यहाँ पर मैं इसको स्पेस साइज वगैरह स्पेसिफाई नहीं करूंगा। ठीक है, से एक बार लिस्ट में जो एरर आ रहा है देख लूंगी मैं। इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करा लेना अगर इसमें एरर आया तो। तो ये दो हमें पैकेज लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी पड़ेगी, java.util.ArrayList या java.util.list, या सिंपली ये अगर नाम याद नहीं रहती तो इतना तो रहेगा util.star कर दो। इस तरीके से हमारी होती है एरे लिस्ट की डिक्लेरेशन। अब लेट्स से आपको इसके अंदर एलिमेंट ऐड कराना, सो एलिमेंट ऐड कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर कमांड होती है ऐड। लेट्स से मैं किस तरीके से ऐड कराता हूँ, यहाँ पर a1.add। अब यहाँ पर मैंने देखो अभी मैंने इसको ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि ये जो मेरी लिस्ट बनने वाली है ये इंटीजर टाइप की है या स्ट्रिंग टाइप की है। तो जो भी पहला एलिमेंट आप इंसर्ट कराओगे उसके अकॉर्डिंग ये आपकी लिस्ट को बना देगा, ये भी सेम एलिमेंट स्टोर कराएगा, बट यहाँ पर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पर दे दिया न्यूमेरिक, तो मेरा अब न्यूमेरिक वैल्यू ये होल्ड कराएगा। सपोज करो मैं स्ट्रिंग्स में यूज कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने कर दिया, तो मेरे पहले लिस्ट पे जाके आइटम एक सेव हो गया राम के नाम से। लेट्स से मेरे को करना है इसमें अगेन करना है आपको a1.add। यहाँ पर बच्चे कर देते a2.add कर देते थे कि सर सेकंड बनना है, यहाँ पर आपको ऐड ही लगाना, ये अपने आप उसमें इंसर्ट करता रहेगा। एरे की तरह आपको यहाँ पर है ना इंडेक्स की लोकेशन देनी है, कोई जरूरत नहीं है। लेट्स से मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैं तो तीन स्टूडेंट्स की मैं एंट्री करा देता हूँ, और मैंने यहाँ पर डाल दिया a1.add इस तरीके से। अब इसको देखने के लिए लिस्ट को, चलो अभी तो एलिमेंट इंसर्ट हो गए, हमें एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट कराने के लिए कितना बड़ा फॉर लूप चलाना पड़ता था। यहाँ पर मुझे फॉर लूप चलाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं सिंपल एक लाइन लिखूंगा दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर लेट्स मैं पास कर दूंगा अपने ए वन को सिंपली इस तरीके से। लेट्स मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इस तरीके से एरे एलिमेंट्स में ये इंसर्ट कराता रहता है। तो ये होती है इसकी डिक्लेरेशन। अब इतना करो फिर देखते हैं अपडेट डिलीट और मॉडिफाई वो किस तरीके से हम करते हैं। एरे में बहुत इजी है करना, चलो एक बार ये आप एग्जीक्यूट कर देते हैं, मैं उनको टास्क दे देता हूँ। ये आपको बताना हो कि आपकी जो लिस्ट है जो आप एरे लिस्ट बनाने वाले वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो उसकी डिक्लेरेशन किस तरीके से होती है बस एक बार वो देख लेना। यहाँ पर आप लिख दोगे लिस्ट और उसके बाद आप कीवर्ड इस तरीके से स्पेसिफाई कर दोगे स्ट्रिंग, यस कैपिटल आएगा इस तरीके से, बस कि आपकी जो लिस्ट है वो आपने स्पेसिफाई कर दी कि नाउ इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इससे मैंने इसका बनाया ए वन इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दी किस टाइप की है स्ट्रिंग। तो इस तरीके से इसकी एक डिक्लेरेशन आ जाती है और बंदी इसी तरीके से होगी इस तरीके से। अब
सपोज करो मैं इसके एक फटाफट एक बार तीन चार एलिमेंट डाल देता हूँ। अभी मेरी लिस्ट स्पेसिफाई की दैट इट कैन टेक ओनली अ स्ट्रिंग वैल्यू। राइट से मैं इसमें एक वैल्यू डाल देता हूँ ए, चलो डाल देते हैं। यहाँ पर एक मैं डाल देता हूँ फोर, ठीक है। अब इसको आपको पता है कि व्यू कराने के लिए आपको तो क्या चाहिए, हेड से आप लिख दोगे व्यू कराने के लिए। यहाँ पर सीधा आप कर दोगे अपनी लिस्ट को कॉल ए वन इस तरीके से। अब सपोज करो मेरे को ये पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट इट्स थर्ड एलिमेंट। तो उसका थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा अभी? नहीं, जीरो वन टू थ्री। तो वो किस तरीके से कॉल करोगे आप? इस तरीके से कॉल करोगे, लेट्स इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर दूँ ए वन डॉट, यहाँ पर मैं पास करूँगा मैथड गेट। इसके बाद ही आपसे पूछेगा कि कौन सा इंडेक्स को आपको कॉल करना है। लेट्स मैंने डाल दिया थर्ड, तो भाई थर्ड एलिमेंट पे बताते हैं कौन सा एलिमेंट है। जिसको एक बार सेव करता हूँ और एक बार इसको रन करता हूँ, तो थर्ड एलिमेंट पे बता दिया फाइव। तो ये होता है अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक लिस्ट एक फैच करनी है, पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं फैच करनी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ सपोज करो अभी इसके अंदर टू मैंने मिसिंग कर रखा है, आई वॉन्ट टू एड दिस टू। सो वो किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ? सेम मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा ए वन डॉट एड। अब यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स भी स्पेसिफाई करता हूँ कि लेट्स से मेरे को वन पे ऐड कराना है, टू ऐड क्या ऐड कराना है, लेट्स से टू। तो अभी क्या करेगा, वन इंडेक्स पे टू ऐड कर देगा जो भी होगा। इसको मैंने सेव किया, इसको मैं लेट्स से रन करता हूँ। ओके, इसके बाद प्रिंट भी करना पड़ेगा, ये सेव, उसको रन करके देखते हैं। अब हो गया हमारा टू ऐड, तो क्या क्या हो गया हमारा, रिट्रीव हो गया, ठीक है, और एडिशन हो गया कि अगर हमें पर्टिकुलर करना हो तो किस तरीके से। अब सपोज करो आपको इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना हो, डिलीट करने के लिए इसके पास से कमांड है ए वन डॉट रिमूव। इसको बता दो कि आपको कौन सा इंडेक्स रिमूव करना है। लेट्स से मैंने इसको इंडेक्स रिमूव करवा दिया अपना फोर्थ, फोर्थ पे मेरे क्या इंडेक्स है, फाइव वैल्यू। लेट्स से मैं एक बार दोबारा इसमें प्रिंट करा के देखता हूँ कि अब क्या इसकी वैल्यू आएगी, वन टू थ्री फोर। अब सपोज करो आपको इस फोर को अपडेट कराना हो, अपडेट मीन्स आपको फोर की जगह मेरे को न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। लेट्स से इसके पास मेरे पास एक कमांड है ए वन डॉट अपडेट, अपडेट क्या बोलेगी कि भाई कौन से एलिमेंट को है, कौन से इंडेक्स के एलिमेंट को कराना। तो नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ फोर मेरा किस पे आएगा, हम जीरो वन टू, हमने ये फोर्थ पे आएगा क्योंकि हमने टू भी ऐड करा दिया। अभी फिर एक बार चलो मैं देख लेता हूँ प्रिंट करा के, जीरो वन टू थ्री फोर पे है, ठीक है, थ्री पे है क्या, जीरो वन टू थ्री पे, सही कह रहे हो, ठीक है, थ्री पे। नेट से अब मेरे को इसमें अपडेट कराना है, अपडेट के लिए इसके पास एक कमांड होती है, नेट से मैं लिखा ए वन डॉट अपडेट नहीं होती, सॉरी सेट होती है, सॉरी सेट। अभी पूछेगा कि भाई कौन सा इंडेक्स को सेट कराना है और कौन सी स्ट्रिंग के साथ। नेट से मैंने पास करा दिया कि भाई थर्ड को तो चेंज कर दे, सेट कर दे अब किससे, नेट से मैंने इसको बोला इस तरीके से कर दे। मैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यू तो पास कर नहीं सकता क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्शन कर दी कि मेरी अब स्ट्रिंग है। लेट्स से क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट दिस। अब मेरे को दोबारा इसको एक बार प्रिंट कराना पड़ेगा तभी वो मेरे को आउटपुट दिखाएगा, वन टू थ्री फोर। तो ये वाला प्रोग्राम करके देखो, फिर आपको बताता हूँ एरे लिस्ट की सॉर्टिंग।